डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास सिक्स का हिंदी बुक है, चैप्टर 15। चैप्टर का नाम है भारतीय किसान। तो हमारा देश भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यह गांवों का देश कहा जाता है, तो इसीलिए भारतीय किसान के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जो ज़्यादातर किसान हमारे देश में गांव में ही रहते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ के देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत खेतिहरों का देश है, किसान धरती के बेटे हैं, राजा एक रहे या दूसरा आ जाए कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसान का नाश हुआ तो प्रलय का आना निश्चित समझना चाहिए। किसान के जीवन को अच्छा बनाने में भारत का सर्वोदय है। तो यहाँ पे भारत में ज़्यादातर खेतिहर किसान बसते हैं और इस धरती का बेटा है, वो भारत माता का पुत्र है। और यहाँ पे राजा के बदलने से हमारे देश में विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसान का नाश हो जाए, किसान अगर ना हो तो इस देश में यहाँ पर प्रलय आना निश्चित है। इस देश में नहीं, सब देश में कहीं भी किसान का होना बहुत ही आवश्यक है। भारत का किसान देखभाल कर चलने वाला है, वह सदियों से अपना काम चतुराई के साथ करता आ रहा है। खेत में जब उतरता है तो खून पसीना एक कर देता है। सर्दी गर्मी वह कभी कार्य से जी नहीं चुराता, वह स्वभाव सीमित वही है। भारतीय किसान को जब उसकी भाषा में कोई अच्छी बात बताई जाती है, वह उसे चाव से सीखता है और अपनाने की कोशिश करता है। उसकी भाषा में मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसान अपने क्षेत्रीय भाषा को ही जानता है, क्योंकि वह ज़्यादा समय बाहर घूमना, दूसरे लैंग्वेज को सीखना, इस सब के बारे में उतना उसे पता नहीं रहता है। अपने लैंग्वेज को ही जानता है, इसीलिए किसानों को उसके लैंग्वेज में कई सारे प्रोग्राम ऐसे चलाया जाता है कि उसके लैंग्वेज में उसे बात बतलाई जाए, तो उन लोग उस तरह की बातें सीख लेते हैं और फिर उसको अपने खेतों में अप्लाई करते हैं। किसान काफ़ी मेहनती होते हैं खेतों में, वो इतना काम करते हैं कि खून पसीना एक कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उसके लिए ठंडा गर्मी कोई मायने नहीं रखता, वो हर ऋतु में एक जैसा काम करते हैं। भारतीय किसान के शरीर और मन में धरती माता क्षमा और दृढ़ता बनकर बैठी हुई है। संतोष और परिश्रम में भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर है, उसके सद्गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। किसान अपने घर को बांस और बल्लियों, घास और फूस तथा कच्ची ईंटों से बनाता है। यहाँ पे किसानों के बारे में बताया गया है कि भारतीय किसान सामान्यतः आप समझ लीजिए कि वो एक कच्चे घरों में रहते हैं। जो कच्चे हाउस के बारे में जैसे हम लोग बतलाते हैं, तो ज़्यादातर किसान कच्चे घरों में रहते हैं। आज सरकार उसकी स्थिति को बदलने के प्रयास कर रही है और काफ़ी हद तक उसके स्थिति में बदलाव आया है। जैसा कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किसानों के पास बैल हुआ करता था, और बहुत सारे भारतीय फिल्में जो पुरानी फिल्में बनी हुई है तो उसमें दिखाया गया है कि एक किसान के पास दो जोड़ी बैल हो तो उसके लिए वह बहुत बड़ा धन हुआ करता था। आत्मनिर्भरता भारतीय किसान के जीवन की कुंजी है। वह अपने प्रयोग में आने वाले औजार स्वयं बना लेते हैं। वह एक कुशल शिल्पी होता है, 50 तरह की रस्सी वह अपने हाथों से बनाता है। बोझा ढोने की छकड़ा गाड़ी को गांव के लोहार बढ़ई की मदद से स्वयं कसकर तैयार करता है। ईख बोने, पेरने और गुड़ बनाने तक की सारी प्रक्रिया किसान की उंगलियों के पोरों में बसती है। तो भारतीय किसान एक ऑलराउंडर जैसा वो होता है। लगभग जितने भी उससे संबंधित कार्य हैं, खेती से संबंधित कार्य, मतलब खेती करने में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करना पड़ता है। तो उसमें हल बनाना, वो खुद ही हल बना लेते हैं। उसके बाद एक बैलगाड़ी होता है तो उस गाड़ी को भी खुद ही बना लेते हैं, और कई तरह की रस्सियाँ जो है वो अपने हाथों से बांटते हैं, उसको स्वयं तैयार करते हैं। और इसके अलावा खेतों से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, ईख बोने से पेरने गुड़ बनाने तक जो है वो सारी चीज़ें उसके अंदर की कला है, वो सब अपने ही कर लेता है, स्वयं ही कर लेते हैं। जिस चीज़ को वह अपने गांव में ही तैयार न कर सके और टूट फूट होने या बिगड़ने पर स्वयं मरम्मत न कर सके, ऐसे यंत्र को किसान ने कभी पसंद नहीं किया। भारतीय किसानों ने ही धरती को फोड़कर उन गहरे कुओं को बनाया जिन्हें देवता भी नहीं बना पाए। कुएं का गोला गलाना आज भी गाँव में चतुराई का काम समझा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं किसानों ने स्वयं बनाया, और जिन चीज़ों को वो स्वयं नहीं कर पाए तो ऐसी चीज़ों को वो रखते ही नहीं थे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, गहरे कुएं खोदकर किसानों ने ही बनाए हैं। अब के समय में वे कुएं जो पुराने कुएं हैं वही बचे हुए हैं, अदरवाइज़ अब के टाइम में जो है काफ़ी समय बदल गया है और बोरिंग हुआ करता है। लोग बोरिंग करवा लेते हैं खेतों में, या जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ बोरिंग करवा लेते हैं। भारतीय किसान के हाथ पैर में बल और उसके मन में काम करने का उत्साह है। उसमें अपनी धरती और घर गृहस्थी के प्रति प्रेम है। समझ बूझ में वह बहुत बड़ा चढ़ा है, उसे किसी भी तरह बुद्धू नहीं कहा जा सकता। भारतीय किसान किसी भी तरह अपनी जिम्मेदारी को मतलब पूर्णता हुए निभाते हैं। घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से वो घर को चलाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उन लोगों को पहले से पता है। और घर गृहस्थी में वे एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति और एक अच्छे पुत्र साबित होते हैं।
भारतीय किसान भाषा और भाव दोनों का धनी है। उसके गीतों में उसके सुख दुख की भावना प्रकट होती है। गांव की कहावतों में उसकी पैनी बुद्धि की झलक मिल जाती है। शादी ब्याह के अवसर पर किसान खुले हृदय से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। गेहूँ पीसना हो तो कितने ही घरों की स्त्रियां उसे बांट लेती है और गाते गाते पीस डालती है। सहकारिता की भावना पर बनी हुई जीवन पद्धति गांव में पहले से चली आ रही है। तो गांव की ये सारी चीज़ें जो है वो गाँव में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि बहुत सारा जब कोई बड़ा काम होता है, कोई उत्सव होता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें जुटानी पड़ती है। तो गाँव में जितने भी लोग होते हैं आस पड़ोस में, सारे लोग उस काम को बांट कर क्या करते हैं, और काम करने के दौरान उन लोग गीत गाया करते हैं। तो गीत गाने से क्या होता है कि काम भी होता रहता है और लोग गीत गाने का और सुनने का आनंद लेते हैं, और वैसे दौरान उन लोगों को काम का पता नहीं चलता है और काम जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। भारतीय किसान कथा वार्ता का प्रेमी रहा है। उसे अपने पूर्वजों के चरित्रों में रुचि है। उसकी आँखें काला अक्षर नहीं देखती, पर कानों और कंठ के द्वारा वह ज्ञान राशि की रक्षा करता आया है। हजारों ग्राम गीत, हजारों कहानियाँ, लोकोक्तियाँ और ऋतु एवं प्रकृति की बातें किसानों के कंठ में हैं। किसान का रोम रोम नृत्य और गीत के लिए फड़कने लगता है। जीवन की रक्षा करनी है तो लोक नृत्य को मरने से बचाना होगा। भारतीय किसान अपने पूर्वजों के जो पद चिन्ह हैं उस पर चलने की प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते हैं, और वे पढ़े लिखे विशेष तो नहीं होते, लेकिन फिर भी ज्ञान राशि को की रक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि जो लोकगीत है वो एक किसान से दूसरे किसान में ट्रांसफ़र हो जाता है। उन लोग उस गीत को गाया करते हैं और गीतों में कई धार्मिक कथाएं जुड़ी रहती है। इस तरह से किसानों के रोम रोम में नृत्य और गीत बसा हुआ है, और जीवन रक्षा के लिए लोक नृत्य को बचाना होगा ऐसा बतलाया जाता है। जैसा कि हम लोग अभी देखते हैं कि धीरे धीरे यह नष्ट होता जा रहा है। लोकगीत अगर किसी को कहा जाए तो लोग अब धीरे धीरे भूलने लगे हैं। किसान को बाहर से आता हुआ सहानुभूति का स्वर चाहिए। उसके जीवन के सीधे सच्चे ढांचे को समझने, परखने और संभालने की आवश्यकता है। पृथ्वी के पुत्र किसानों के जीवन का कायाकल्प करने के लिए हमें कमर कसनी होगी। इससे किसानों के लिए चारों ओर आशा का नया संसार निर्मित होगा। कृषि का नया नया ज्ञान छनकर किसान तक पहुँचेगा। किसान धरती के पुत्र हैं। किसान का इतना महत्व है जिसके वजह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। किसान अगर ना हो तो फिर देश की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होते जाएगा। और किसानों को हमें विकसित करने के लिए हमें नए नए कार्यक्रम चलाना चाहिए और उन्हें वैसे ज्ञान देना चाहिए जिससे उनका और अधिक विकास हो सके। उसका विकास ही देश का विकास है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दिया रहता है। तो इसको अगर याद करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा, इंग्लिश वर्ड भी आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ पे अधिक क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आशय स्पष्ट करने के लिए, मतलब इन दोनों को मिला के फिर उतना ही क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पे रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के देता हूँ। यह है चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर। भारत का सर्वोदय किसमें छुपा है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान धरती के बेटे हैं। किसान के जीवन को अच्छा बनाने में भारत का सर्वोदय छुपा है। किसान में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? किसान अपना काम बड़ी चतुराई से करता है। वह खेत में खून पसीना एक कर देता है। सभी मौसम में एक सा परिश्रम करता है। वह किसी कार्य से जी नहीं चुराता। वह स्वभाव से मितव्ययी होता है। अच्छी बातें वे बड़ी चाव से सीखते हैं और अपनाने का भी प्रयास करते हैं। भारतीय किसान परिश्रमी हैं। उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट करो। परिश्रम में भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर है। उसके सद्गुणों की प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। किसान अपने घर को बांस और बल्लियों, घास और फूस तथा कच्ची ईंटों से बनाता है। किसान अपने उपयोग में आने वाले अधिकतर वस्तुओं को स्वयं बनाता है। किसान के जीवन में आत्मनिर्भरता किन किन रूपों में देखी जाती है? आत्मनिर्भरता भारतीय किसान की कुंजी है। अपने प्रयोग में आने वाले औजार वह स्वयं बना लेता है। वह एक कुशल शिल्पी होता है। 500 प्रकार की रस्सियाँ वह अपने हाथों से बनाता है। खेती के लिए उपयोग होने वाला बैलगाड़ी लोहार बढ़ई की मदद से स्वयं तैयार करता है। भारतीय किसान भाषा और भाव का धनी है। कैसे? सचमुच भारतीय किसान भाषा और भाव का धनी है। उसके गीत से उसके सुख दुख की भावना प्रकट होती है। शादी विवाह के अवसर पर किसान खुले हृदय से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। सामूहिक कार्य को कई घरों की स्त्रियाँ बांट लेती है और गीत गाते गाते कार्य समाप्त कर लेती है। किसान का जीवन किस प्रकार उन्नत किया जा सकता है? किसानों के प्रति हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। उसके जीवन शैली को समझने, परखने और संभालने की आवश्यकता है। उसके जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमें कमर कसनी होगी।
कृषि का नया नया ज्ञान उस तक पहुंचाना होगा। किसान की उन्नति ही सबकी उन्नति है। क्वेश्चन नंबर 3, आशय स्पष्ट करो। अगर किसान का नाश हुआ तो प्रलय आनी समझनी चाहिए। मानव जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कृषि से ही हुआ है। संसार की उन्नति के पीछे किसानों का खून पसीना लगा है। आज अगर यह किसान ना रहे तो मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। किसान स्वभाव से मितव्ययी है। जो मेहनत करते हैं वही उसका मूल्य भी जानते हैं। किसानों को भली भांति पता होता है कि उसकी आवश्यक वस्तु क्या है। वह अनावश्यक चीज़ों के लिए धन खर्च नहीं करते। आत्मनिर्भरता भारतीय किसान के जीवन की कुंजी है। भारतीय किसान अपने जीवन में उपयोग होने वाले अनेक वस्तुओं को वह स्वयं निर्मित करता है। वह अपना घर स्वयं बनाता है। हल, बैलगाड़ी और अनेक प्रकार की रस्सियाँ स्वयं बनाता है। किसान आत्मनिर्भर होता है, दूसरों पर आश्रित नहीं होता। सहकारिता की भावना पर बनी हुई जीवन पद्धति गाँव में पहले से चली आ रही है। सहकारिता की भावना प्राचीन और जीवन की आवश्यक पद्धति है। इसके बिना मानव जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहता है। गांव में आज भी किसी एक पर संकट आ जाए तो सभी मिलकर उसका निवारण करते हैं। किसान का रोम रोम नृत्य और गीत के लिए फड़कने लगता है। किसान अपने पूर्वजों से लोकगीत सुनते रहे हैं। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, परंतु वह उसे कंठस्थ कर उसकी रक्षा करता है। इन गीतों से उसके जीवन की सुख दुख भरी कहानी जुड़ी रहती है। खेतों की अच्छी उपज से किसानों का मन झूमने लगता है और उसका रोम रोम नृत्य और गीत के लिए फड़कने लगता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है भरने के लिए, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसान अपना काम सदियों से चतुराई के साथ करता चला आ रहा है। आपको यहाँ पर आंसर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। गुड़ बनाने की सारी प्रक्रिया किसान की उंगलियों के पोरों में बसती है। भारतीय किसान के हाथ पैर में बल है। भारतीय किसान भाषा और भाव दोनों का धनी है। हमारा किसान कथावार्ता का प्रेमी रहा है। इसके आगे यहाँ पे 5 नंबर में भाषा अध्ययन से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर पे निचले लिखे मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्य में प्रयोग करो। इसका मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और इसको वाक्य में प्रयोग भी करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है खून पसीना एक करना। इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। भारतीय किसान खेतों में खून पसीना एक कर देते हैं। हाथ बटाना, हाथ बटाने का अर्थ है मदद करना, सहायता करना। त्यौहार में बच्चे भी सबका हाथ बटाते हैं। कमर कसना, कमर कसना का अर्थ है तैयार होना। भारतीय जवान हमेशा कमर कसे रहते हैं। इस तरह से आपको आंसर जो है स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर में भाववाचक संज्ञा बनाओ, जैसे दृढ़ का बना हुआ है एक दृढ़ता, तो सुंदर का हो जाएगा सुंदरता, सत्य का सत्यता, योग्य का योग्यता और कुशल का कुशलता। और अंत में यहाँ पे संधि विच्छेद किया हुआ है और इसको संधि करना है। जैसे कि यहाँ पे सरो जोड़ उदय दिया हुआ है सरोदय, तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, सूर्य जोड़ उदय तो सूर्योदय हो जाएगा। और यहाँ पे महोत्सव महाजोड़ उत्सव, यहाँ पे 2 बना हुआ है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा रमा जोड़ इस, तो रमेश हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सिंह जोड़ आसन तो सिंहासन, विद्या जोड़ालय विद्यालय, पर्वत जोड़ आरोहण पर्वतारोहण। इस तरह से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। और अंत में यहाँ पे 5 नंबर में भारतीय किसान विषय पर लगभग 250 शब्दों में एक निबंध लिखो, निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है, जिसको आप लोग स्वयं कर लेंगे। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। और अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।